हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल फॉर आपके सक्सेस। आज ये 17 सितंबर, तो हम लोग डेली करंट अफेयर्स सीरीज में 17 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस हवाई अड्डे में भारत का पहला कोरोना वायरस परीक्षण सुविधा केंद्र स्थापित किया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। तो ये कहाँ स्थित है? ये आपका स्थित है दिल्ली में, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि दिल्ली के अंदर जो है ये हमारे देश का पहला कोरोना वायरस परीक्षण सुविधा केंद्र यहाँ पर स्थापित किया गया है। इसके अंतर्गत जो है अब विदेश से आने वाले लोगों का एयरपोर्ट पर ही कोरोना का टेस्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है अब लैब और टेस्टिंग का इंतजाम कर दिया गया है, ठीक है। अब लोगों को क्वारंटाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्लियर। बस सिंपली आपको ये याद रखना है। बाकी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है यह सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री घोषित होने वाला हमारे देश का पहला एयरपोर्ट है, ठीक है। इसके अलावा बात करें यहाँ पे राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, तो देखिए इसने भी हाल ही में CIIGBC, ठीक है, तो CIIGBC नेशनल लीडर अवार्ड जीता है अभी हाल ही में राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने, और ये स्थित है आपका हैदराबाद के अंदर। बात करें यहाँ पे कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, तो ये स्थित है आपका बेंगलुरु में, और जिसने अभी हाल ही में स्काई ट्रैक्स अवार्ड जिसने जीता था, ठीक है। और ये जो है आपका कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये केरल में स्थित है, और यह सोलर एनर्जी से ऑपरेट होने वाला यह पहला एयरपोर्ट है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में F1 यानी कि F1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीत लिया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, लुइस हैमिल्टन ने। तो आपको पता होगा कि जो लुइस हैमिल्टन है ये ब्रिटिश हैं और ये मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं, और इन्होंने अभी हाल ही में ये F1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब अपने नाम कर लिया, ओके। सेकंड नंबर पे रहे थे वोल्टेरी बोटास, इसके बारे में आपको डिटेल से बता दूँ। देखिए ये जो लुइस हैमिल्टन है, इस साल की ये इनकी 6वीं जीत है, ओके, और इनके करियर की जो है 90th जीत रही है, ठीक है। सेकंड नंबर पे मैंने बताया आपको वोल्टेरी बोटास रहे थे, और ये जो वोल्टेरी बोटास हैं ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये फिनलैंड से हैं, और ये भी मर्सिडीज़ के ही ड्राइवर हैं, ओके। अच्छा, अभी तक जितने भी F1 रेसेस हो चुकी हैं इनके बारे में आपको बता दूँ। देखिए सबसे पहले जो है वो हुआ था आपका ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स, ठीक है, जिसे कि जीता था वोल्टेरी बोटास ने। इसके बाद जो है आपका स्टायरीन हंगरियन ब्रिटिश बेल्जियन स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जो है इसे जीता था लुइस हैमिल्टन ने, क्लियर। इसके बाद एक हुआ था आपका इटालियन ग्रैंड प्रिक्स, और इसे जीता था पियरे गैसली ने, ओके। और साथ ही एक और आपको याद रखना है नाम, F1 70th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स का, ठीक है, इसे जीता था मैक्स वर्स्टैपेन ने, ठीक है, मैक्स वर्स्टैपेन ने जो है इन्होंने ये F1 70th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स को जीता था, ठीक है। और ये जो मैक्स वर्स्टैपेन हैं ये एक्चुअली ये रेडबुल के ड्राइवर है, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, क्लियर। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्मार्ट राशन कार्ड योजना शुरू की है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, पंजाब की सरकार ने, ओके। तो देखिए अभी हाल ही में पंजाब की जो गवर्नमेंट है इन्होंने अपने राज्य में ये स्मार्ट राशन कार्ड योजना की शुरुआत करी है, ओके। और इसमें जो है नेशनल फूड सेफ्टी एक्ट के तहत कवर न होने वाले 9 लाख लोगों को सब्सिडी पर राशन प्रोवाइड की जाएगी, ओके। अब बात करें यहाँ पे पंजाब की, तो इसकी कैपिटल है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री है अमरिंदर सिंह, और गवर्नर है BP सिंह बदनौर, ठीक है। और इसके अलावा देखिए अभी जो है हाल ही में यहाँ के जो गवर्नमेंट है यानी कि पंजाब की जो गवर्नमेंट है इन्होंने अपने राज्य में हरियाली बढ़ाने के लिए आई रखवाली नामक एप्लीकेशन को इन्होंने लॉन्च किया था, ओके। साथ ही स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के संचालन की रैंकिंग में जो है शीर्ष पे रहा था पंजाब राज्य, क्लियर। और अभी हाल ही में पंजाब के गोविंदगढ़ में एशिया का पहला ये कॉन्टीन्यूस गैल्वेनाइज्ड प्रोडक्शन फैसिलिटी का उद्घाटन किया गया है, ओके। साथ ही पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है विनी महाजन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको इनका नाम याद रखना है। और अभी हाल ही में पंजाब के गवर्नमेंट ने एक घर घर निगरानी एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया है, ओके। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट है, आप पंजाब से ये जो है जितने भी पॉइंट्स हैं इसे याद रख सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड 19 से लड़ने के लिए मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान की घोषणा की है?
तो ये घोषणा की गई है महाराष्ट्र के अंदर। तो सिंपली बस याद रखिए कि COVID-19 से लड़ने के लिए अभी हाल ही में महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने अपने राज्य में ये मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान को इन्होंने शुरू किया है। ओके, अब बात करें यहाँ पे महाराष्ट्र की, तो कैपिटल है मुंबई और मुख्यमंत्री है यहाँ के उद्धव ठाकरे और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। और अभी पता होगा आपको कि भगत सिंह कोश्यारी जी को जो है गोवा का भी एडिशनल चार्ज दिया गया है। ओके, और अभी हाल ही में मुंबई हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं, इनका नाम है दीपांकर दत्त। ओके, इसके अलावा जो है देखिए महाराष्ट्र के अंदर जो है बिजली लाइनों एवं ट्रांसमिशन टावर का निरीक्षण करने के लिए ड्रोन को यूज करने वाला पहला राज्य बना था आपका महाराष्ट्र। ओके, साथ ही दुनिया का जो है सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग के लिए एक प्रोजेक्ट प्लैटिना को लॉन्च किया गया था महाराष्ट्र में। ओके, साथ ही राज्य में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए एक परवाना योजना की शुरुआत की गई थी यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे महारोजगार पोर्टल को लॉन्च किया गया है और मुंबई में स्पेशली मुंबई में जो है बाढ़ की चेतावनी के लिए एक आई फ्लोस नामक एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था। क्या नाम था इस एप्लीकेशन का? इसका नाम था आई फ्लोस। ओके, साथ ही मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला भी हमारे देश का पहला राज्य है महाराष्ट्र, क्लियर। और मर्सर का भी कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2020 आया था जिसमें कि भारत का सबसे महंगा शहर बताया गया था मुंबई को, जो कि विश्व में 70th नंबर पे रहा था, ठीक है, सॉरी 70th नहीं 60th यानी कि 60वें नंबर पे रहा था, क्लियर। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस राज्य ने MSME को सहायता प्रदान करने के लिए CDB के साथ समझौता किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए राजस्थान की गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो अभी हाल ही में राजस्थान की गवर्नमेंट ने MSME को सहायता प्रदान करने के लिए इसने CDB के साथ समझौता किया है। वैसे MSME मंत्री कौन है? तो MSME मंत्री है हमारे नितिन गडकरी जी और अभी हाल ही में MSME के जो सचिव नियुक्त हुए थे उनका नाम है अरविंद कुमार शर्मा, ये भी आपको नाम याद रखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में रिचर्ड हॉलब्रुक विशिष्ट उपलब्धि पुरस्कार या यूं कहे तो डेट ऑन लिटरेरी पीस प्राइज 2020 के विजेता कौन बने हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी मार्गरेट एडवुड। तो ये जो मार्गरेट एडवुड है इन्हें अपनी बुक जिसका नाम है हैंडमेड्स टेल, इसके लिए अभी हाल ही में ये डेट ऑन लिटरेरी पीस प्राइज 2020 से इन्हें सम्मानित किया गया है। ओके, अच्छा, आपने मार्गरेट एडवुड का नाम जरूर सुना होगा, इन्हें 2019 के अंदर टेस्टामेंट के लिए बुकर प्राइज मिला था। ओके, अच्छा 2020 का बुकर प्राइज किसे मिला है ये हमने पढ़ा था, इनका नाम है मारिके लुकास रिजनेवेल्ट, इन्हें जो है 2020 का बुकर प्राइज दिया गया है। किस बुक के लिए? तो इनकी बुक का नाम है द डिसकम्फर्ट इवनिंग, इस बुक के लिए इन्हें 2020 का बुकर प्राइज दिया गया है। क्या नाम है? मारिके लुकास रिजनेवेल्ट। ओके, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी समीर कुमार खरे को। तो अभी हाल ही में समीर कुमार खरे को एशियन डेवलपमेंट बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ओके, अच्छा आपको पता होगा अभी हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो है उपाध्यक्ष बने थे अशोक लवासा, तो आपको ये भी पॉइंट याद रखना है। बाकी बात करें यहाँ पे जेन फ्रेजर की, तो ये भी हाल ही में सिटी ग्रुप की पहली महिला CEO बनी है। कार्मेन रेनहार्ट जो है ये वर्ल्ड बैंक के अंदर चीफ इकोनॉमिस्ट बनी थी और उत्पल कुमार जो है ये लोकसभा सचिव बने हैं। ओके, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किसने माई लाइफ एंड डिज़ाइन नामक पुस्तक रिलीज की है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी गौरी खान ने। तो आपको पता होगा जो गौरी खान है ये फिल्म एक्टर शाहरुख खान की वाइफ है और ये जो है इन्होंने अभी बुक लिखा है इसका नाम है माई लाइफ इन डिज़ाइन, ये इंटीरियर डिज़ाइनर भी हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि इनकी जो बुक है इसका नाम है माई लाइफ इन डिज़ाइन, ठीक है। बाकी बात करें आर भानुमति की, तो ये सुप्रीम कोर्ट की भूतपूर्व जज रह चुकी हैं और इनकी जो बुक आई है अभी हाल ही में उसका नाम है जुडिशियरी जजेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ओके, रामचंद्र गुहा जो है इनकी जो बुक आई थी इसका नाम था द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट और करण जौहर की जो बुक है उसका नाम है द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी 15 सितंबर को। ओके, तो देखिए पूरे वर्ल्ड में जो है 15 सितंबर को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाते हैं, ठीक है, और इसकी शुरुआत जो है वो हुई थी 2008 से, ठीक है,
यानी कि 2008 में पहली बार जो है इस अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस को मनाया गया था। वैसे 15 सितंबर को हम लोग इंजीनियर्स डे भी मनाते हैं, और ये डे जो है हम लोग मनाते हैं एम विश्वेश्वरैया जी की बर्थ एनिवर्सरी के रूप में, ठीक है। और आपको पता होगा कि जो एम विश्वेश्वरैया जी हैं इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न मैसूर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ओके, नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किसने सर्वश्रेष्ठ पट कथा पुरस्कार जीता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चैतन्य तम्हाने ने। तो जो चैतन्य तम्हाने हैं ये फिल्मकार हैं, और इनकी द डिस्पाइल ने वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड जीता है। तो आपको इनका नाम याद रखना है, क्या नाम है इनका? चैतन्य तम्हाने। और बाकी बात करें यहाँ पर डेविड एटनबर्ग की, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम। देखिए इन्हें अभी हाल ही में इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है। ओके, और यहाँ पे बात करें कला नारायण स्वामी की, तो इन्हें जो है अभी हाल ही में COVID-19 सेवाओं के लिए सिंगापुर का राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया था। ओके, और वेद प्रकाश दुधेजा जो है इनको जो है अभी हाल ही में इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया था। क्या नाम है इनका? वेद प्रकाश दुधेजा। क्लियर, नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में वैश्विक व्यापार के लिए फेसबुक प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनिल जैन को। अभी हाल ही में अनिल जैन को ये वैश्विक व्यापार के लिए फेसबुक प्रमुख के रूप में इन्हें चुना गया है। बात करें यहाँ पे अतनु कुमार दास की, तो ये अभी हाल ही में जनरल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का डायरेक्टर इन्हें नियुक्त किया गया है, और अरुण श्रीनिवासन जो है इन्हें अभी हाल ही में ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया था। ओके, नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में अमेजॉन ने एलेक्सा के लिए सेलिब्रिटी आवाज़ बनाने के लिए किस बॉलीवुड अभिनेता को चुना है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमिताभ बच्चन को। ओके, इसके बारे में आपको बता दें, अब जो है कंपनी जो है ये एलेक्सा ये अमिताभ बच्चन की आवाज़ को एक पेड अपग्रेड के रूप में जोड़ेगी, और इसे एलेक्सा स्किल इंटरफेस के माध्यम से जोड़ा जाएगा, ठीक है। और ग्राहकों को आकर्षित करने के एक हिस्से के रूप में उनकी आवाज़ का उपयोग मौसम, चुटकुले और नोटिफिकेशन में यूज़ किया जाएगा। क्या नाम है इनका? तो अमिताभ बच्चन। ओके, नेक्स्ट आइए, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टिकटॉक ने अमेरिकी परिचालन के लिए किसे अपना साझेदार बनाया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ओरेकल को। अभी हाल ही में टिकटॉक ने अमेरिकी परिचालन के लिए ओरेकल को अपना साझेदार बनाया है। ओके, अभी पता होगा आपको कि टिकटॉक के जो CEO है इनका नाम है केविन मेयर, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। ओके, तो गाइज ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, आई होप आप सबको पसंद आया होगा। अब बढ़ते हैं क्विज पे। कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि किस राज्य की सरकार ने स्वच्छता कार्यकर्ताओं के लिए अपनी तरह का पहला गरिमा सामाजिक सुरक्षा योजना लॉन्च की है? तो राइट आंसर था उड़ीसा, आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया था। आज के लिए आपका प्रश्न रहेगा, आपको बताना है कि हाल ही में किसे यूरोमनी अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस 2020 द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो गाइस आज की वीडियो ये समाप्त करते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।